कुरान साहब, संभालिए अपने आप को। आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, ऐसे आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं काकी, जब तक मेरा मन वापस नहीं आ जाता मैं एक बूंद पानी तक भी नहीं पीऊंगी। लेकिन कुमरान, मन वापस जरूर आएगा। इन्हें उन्हें मुझे वापस देना ही होगा। रसगुल्ला, ये कौन है राम? सिया इरो ने मन की जान बचाई। मन की जान बचाई मतलब कहाँ था ये? हेलो डॉक्टर, आप प्लीज घर आइए। नन्हे खाना, तुम ठीक हो? आजे द्वारकाधीश ने हूँ 51 रुपए नु प्रसाद चढ़ावी। अने तू खदेड़ी, तारा माथा मा जू छे, तारा बाढ़ निकली गया छे। आमा छेद छे, मगज क्या छे तारू? तेरा बच्चा कचरे के ट्रक में कैसे पहुंचा? कच
कचरे का ट्रक? मन, तुम वहां कैसे पहुंचे बेटा? अरे उसको क्या पूछ रही है तू? मां छूने तेना ना की खबर? एक मिनट, तू सौतेली मां छू? तो बच्चे को कचरे के ट्रक में तुमने डाला था? क्या बोल रही हो तुम? सही कह रही हूँ। पुराने जमाने में राजा महाराजा क्या करते थे? अपने नाजायज बच्चों को मार देते थे। और मैं भी सामने आ गई तो मुझे भी टक्कर देके मारने की कोशिश की, राइट? यही प्लान था ना? ये तो अर्कादीस, थैंक यू मैंने बचा ही ली तू, वरना पता नहीं क्या होता। स्वर्ग की टिकट मेरी पक्की थी। ये तुम कुछ भी बोले जा रही हो ना? सही कह रही हूँ। ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? क्या कोई चोर कभी एक्सेप्ट करता है कि वो चोर है? कहता है What? ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें इसकी बातों पे यकीन हो रहा है? मैं ऐसा कर सकता हूँ? तुमने ऐसा किया है, कातिल हो तुम। बस देखिए, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे हमारे बेटे की जान बचाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप राम पर उंगली उठाएंगी। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वाह, आइडियल वाइफ। अवर नालायक छोकरा ने अटली सारी देवी जेवी छोकरी कह रहे थे मरी गई। તમે શું કરો છો? હું આટલા ટાઈમથી કુવારી જ છું, તમે મારી ઉપર ધ્યાન નતા આપતા? નન્હે કાન્હા, તુમ કિતને કિસ્મત વાલે હો, તુમ્હે ઇન જૈસી માં મિલી। નહીં, વો મેરી માં નહીં, વો તો રસગુલ્લા હૈ। ऐसे नहीं कहते बेटा, तुम्हारी माँ है वो। देखो उन्हें माँ के पुकारो। मैं कह रहा हूँ ना, वो मेरी माँ नहीं, आप मेरी माँ हो। नन्हे कन्हैया, तुम तो बिल्कुल कान्हा जैसे नटखट हो। मैंने तुम्हारी जान जो बचाई, तुमने मुझे माँ कह के पुकारा। काश सच में मैं तुम्हारी माँ होती तो धन्य हो जाती। जितने नहीं, पर आप
क्यूट तो हो। थैंक यू। लेकिन दुनिया के सबसे क्यूट बच्चे का अवार्ड तो तुम्हें ही मिलेगा। कुंवर रानी सा, जन्माष्टमी उत्सव के लिए गांव वाले आ गए हैं। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दीजिए। What? गांव वाले? Oh my God, सिया, तुमने पूरी बारात को बुला लिया है? I'm not even ready. Gosh, वैसे तो मैं मलिका बैरमगढ़ हूँ, लेकिन इस वक्त ऐसी हालत में मेरी बैरमगढ़ लग रही हूँ। I mean, चलो चलो चलो, तुम सब भी जल्दी चलो। Get ready, guys. मैं नहीं चाहती कि मलिका की फैमिली का कोई मजाक उड़ाए। Come on, guys. चलो छोटे लड्डू, तुम्हें भी तैयार कर देती हूँ मैं। I'm so sorry, माफ कर दीजिएगा गांव वालों। Actually, आपकी कुंवरानी सा की तबीयत आज थोड़ी सी खराब है, so no nritya and all that, huh? Sorry. राम, आप जाइए, जाके चेंज कर लीजिए। किशन कन्हैया अपने गोपियों के संग रास रचाते थे ना? कौन है? अरे ये वही है जिन्होंने कुंवर साहब के नाजायज बच्चे को बचाया था। अच्छा। राधा ना सही, गोपी का ही सही। क्यों कुंवरानी साहब, सही कहा ना मैंने? नया काटा आ गया है इनके बीच। मन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले, कि न सोचे समझे। किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। तारे हैं, चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। ओ गोपियां तारे हैं, चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है, गोपियां आनी जानी। बहुत हो गई सैतानी की लीला, अब सब समाप्त होने का वक्त आ गया है। सखरे जमुना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। ओए होए ओए होए, बाहों के हार जुटा ले कोई कान्हा के गले। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आंख तन मन में लगे, राधा कैसे। Oh,
जले। What a wonderful performance! कितना खूबसूरत नृत्य था, lovely. कुंवर साहब, रानी साहब, मटकी फोड़ने का शुभ मुहूर्त हो गया है, आरंभ करें? जी जरूर। बहरामगढ़ की मटकी इस बार हमारे नन्हे खाना यानी कि मन फोड़े। दही हांडी तैयार की जाए। सारा खेल खत्म, शैतान की औलाद। इसका मतलब हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। वो यहीं कहीं पर होगा। जब रावण ने सीता जी का हरण किया था तो पता है उन्होंने एक स्मार्टनेस दिखाई थी। पूरे रास्ते वो अपने पहनावे में से कुछ ना कुछ गिराती हुई जा रही थी। राम, वो हमारे लिए क्लूज छोड़कर जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने उसे सीता हरण वाली कहानी सुनाई थी। चलो। छोड़ो मुझे। बचाने की कोशिश कर रहा है। रसगुल्ला कहती है सबकी मदद करना चाहिए, फिर चाहे वो कच्ची क्यों ना हो। बहुत बड़ी भूल हो गई मारे से। मैं तन्ने मारने चली थी और तूने मारी जान बचाई। रसगुल्ला कहती है जो लोगों की जान बचाते वो भगवान होता है। सही कहवे है तारी रसगुल्ला, जो जान लेवे है वो शैतान होवे है और जो जान बचावे है वो तो भगवान होवे है। साबित कर दियो थारी रसगुल्ला ने कि इंसान जन्म से ही शैतान या भगवान ना होवे है, बल्कि उसकी परवरिश उसे वाका रूप देवे है। हाँ, जैसे भक्त प्रहलाद, ये कहानी भी सुनाई थी मेरे रसगुल्ला ने मुझे। प्रहलाद है ना, बुरे लोगों के घर में पैदा हुआ था, पर उसके अच्छे कामों की वजह से वो भगवान का खास हो गया। मुझे भी खास होना है। तू जरूर सबका खास बनेगा बेटा, जिसकी परवरिश
हमारी कुबरानी सा कर रही हो? वो कभी गलत राह पर जा ही ना सके है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मन ने माफ कर दे बेटा। आज के बाद तन्ने खरोच तक ना आने दूंगी मैं। क्या वो आसपास ही है? हम सब एक साथ हंसी खुशी रहेंगे।